We're from the fashion department. We are the bright future. Hum hai University of Sialkot. We are from University of Sialkot. And we are the future lawyers. We are future pilots. Lawyer banenge. आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सियालकोट वाले, क्योंकि सियालकोट एक मरतबा फिर बाजी ले गया है। हम लोग जिस दरसगाह के अंदर मौजूद हैं, ये सियालकोट की सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में मौजूद हैं। आज की पूरी डॉक्यूमेंट्री यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर होगी। बच्चे यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि खूब इंजॉय भी करते हैं। आज की सारी दास्तान यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के नाम। हम लोग पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर। यहाँ पर मोहम्मद याकूब और जो रजिस्ट्रार हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का विजिट करने के लिए हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को किस तरह काबिल बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। कौमों की जिंदगी में फैसला कुन तब्दीली उस वक्त आती है जब जहन तब्दील हो रहे हों। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में जो जहन साजी का काम है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जारी है सारी है। यहाँ सिर्फ क्लासरूम की स्टडीज़ जो है ना, उस पर इक्तफा नहीं किया जाता, बल्कि आउट ऑफ द क्लासरूम जो हम बच्चों को चीज़ें पढ़ाते हैं या उनसे प्रैक्टिकली करवाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा सर, अगर हम विजिट करें, थोड़ा सा चलते चलते भी बात करें यूनिवर्सिटी के हवाले से, थोड़ा सा अगर आपको थैंक यू सर। लें जी, हम लोग आपको यूनिवर्सिटी का विजिट करवाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ जो कि लोग सोचते हैं कि कितनी खूबसूरत लाइफ है, आज हम आपको बताते हैं, बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं कितनी खूबसूरत लाइफ होती है, किस तरह लोग अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो हम आपको बाकायदा यूनिवर्सिटी का विजिट करवाते हैं। हमारे स्टाफ बैठा होता है और उनके तमाम तर प्रॉब्लम्स को यहीं पे विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व। कोई बच्चे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं, उनकी माली मावनत करते हैं और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी काफ़ी जेनरस है। तकरीबन 200 मिलियन के करीब हम हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे, हमारा इस वक्त ग्रैड शो चल रहा है, जो हमारे फैशन एंड आर्ट एंड डिज़ाइन के जो बच्चे हैं उनका ग्रैड शो ऊपर डिस्प्ले है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम उनको विजिट कर लें। हमारे फैकल्टी ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन का पीसेस ग्रैड शो है। हमारे जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनको असाइनमेंट मिला होता है और वो अपने असाइनमेंट को प्रैक्टिकली तमाम ज्यूरी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट। वी आर फ्रॉम द फैशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट एंड वी आर द फ्यूचर डिजाइनर्स। ये सर हमारे फाइन आर्ट्स के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका काम है और वो इस वक्त डिस्प्ले पे है। इस काम ये सारा स्टूडेंट्स ने खुद इसको डिजाइन किया। किन की तस्वीर बनाई गई है? ये हमारे जो वाइस चांसलर हैं मोहम्मद रेहान यूनुस साहब जी, जी उनकी वालदा मोहतरमा की माशाल्लाह पिक्चर है, जबरदस्त और पेंटिंग है। हर बिल्डिंग में हमारी डेडिकेटेड लाइब्रेरी है। यहाँ पे हमारी ये इस वक्त जो हम विजिट करेंगे ये हमारी मेन लाइब्रेरी है और मेन लाइब्रेरी वी हैव गॉट सम 10,000 बुक्स। वी हैव गॉट डिजिटल एक्सेस ऑफ HEC लाइब्रेरी एंड वी हैव गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ रेलिवेंट जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स। और यहाँ पे गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज़ का अलग है। जाएंगे नेक्स्ट हम फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विजिट करते हैं। We are the University of Sialkot. We study BS Information Technology.
and we are the bright future of Pakistan. कौन से department है यहाँ पे? ये हमारा international office है, जो कि बहुत ही vibrant किस्म का और बहुत active office है हमारा. जितनी भी हमारी international collaboration है, international communication है, वो यही office करता है. अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि तकरीबन 10-12 international students यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें कीनिया से, साइप्रस से, फिलिस्तीन से, पाकिस्तान में बल्कि दूसरे शहरों से, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पे आ रहे हैं. ये अभी हमारा एक डेलीगेशन स्टूडेंट का टर्की पहुँचा है और वो पूरा सेमेस्टर वो वहीं पर स्पेंड करेंगे, और वहाँ से भी कुछ बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो कि यहाँ पे पढ़े. यही नहीं, बाकी जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में, पाकिस्तान की इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे वो इंटर्नशिप करेंगे. तो उनका कुछ जो पोर्शन है वो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में वो अपना इंटर्नशिप करेंगे, और फिर बाकी जो उनका टाइम है वो ये अमेरिका में कैपिटल हिल में बाकायदा जो यूएस की पार्लियामेंट है वहाँ पे इंटर्नशिप. सर ये तो आपने हैरान कुन बात बता दी हमें. मतलब हमारे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे विस्टर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे और उनके यहाँ पे आके करेंगे. मतलब हमारी सियालकोट की यूनिवर्सिटी उस लेवल पर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह. सियालकोट वाले तो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा ब्रांड यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट काम कर रहा है भाई. तो हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ते हैं, हमने कभी सुना तो नहीं था, लेकिन यकूब साहब ने हमें बताया कि यहाँ के स्टूडेंट्स डेलीगेशन की सूरत में टर्की, कजाकिस्तान, दूसरे ममालिक में, हत्ता के अमेरिका में जाने के लिए भी तैयार हैं. तो ये तो कमाल कर दिया भाई. तो मजीद भी हम इस यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट बनने के लिए कोई थोड़ी सी गाइडेंस भी दे देना कि यहाँ पे स्टूडेंट बनना है. हमारा एडमिशन ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का एडमिशन ऑफिस है. यहाँ पे हमारे बड़े प्यारे दोस्त कलीम भट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके साथ भी मुलाकात तो करवाते हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा और आपको असिस्टेंस भी मिलेगी यहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं. यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा भाई ये डिपार्टमेंट आप यू चूज कर लें तो आपका रोशन मुस्तकबिल हो सकता है. तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए और क्या प्रोसेस है इसके हवाले से भी हम व्हाट्सएप से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप ठीक है? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू. गुड टू सी यू. थैंक यू सर, थैंक यू. करंट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा या मतलब हम जैसे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, गैप आ गया हुआ स्टडी में, तो उनको भी स्टूडेंट को मिल सकता है एडमिशन? देखिए यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यूनिवर्सिटी का दरवाजा हर किसी के लिए खुला होता है. वो 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक कोई भी तालिब इल्म जो है वो यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा आके खटखटा सकता है और अपनी मर्जी का कोर्स ले सकता है. मुझे ये बताते हुए आपको बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, जो कि सियालकोट के ना सिर्फ सियालकोट के बल्कि सियालकोट के जो गिर्द जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब के बच्चों को कैटर कर रहा है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे पास 30 के लगभग डिपार्टमेंट्स हैं. 100 से ज़्यादा हमारे पास पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, जो कि एक ख्वाब है किसी भी यूनिवर्सिटी का, और इसी तरह 400 प्लस हमारा फैकल्टी मेंबर है. ये एडमिशन ऑफिस है, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है. बच्चे यहाँ आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं वो उनको उनकी इंटरेस्ट और उनकी जो जो रेलिवेंसी है, एरिया ऑफ स्टडी है, उसके मुताबिक उनको कोर्सेज ऑफर करते हैं. कोर्सेज की तमाम डिटेल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, लेंथ क्या है, फीस क्या है, और इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब मार्केट में किस किस जगह पर अपनी जो है वो जॉब जो है उसको उसका आगाज कर सकते हैं. हमने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि हम आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने का मौका देंगे, वहाँ सेटल होने का मौका देंगे. यू विल लिव एंड वर्क इन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ योर चॉइस. आज उड़ाने से लेकर मुकदमे लड़ने तक सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे, डिग्रीज यहाँ पे हो रही हैं. आप क्या कहेंगे? और बस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, फिर उसमें एविएशन का भी हमारा डिपार्टमेंट उसी के अंदर आता है. We are student of BS Aviation Management and we are future pilots. Faculty of Sciences hai, Faculty of Pharmacy and Allied Health Sciences hai, and then we have Faculty of Humanities and Arts, Social Sciences ka hamara ek zabardast faculty hai.
फिर फैकल्टी ऑफ लॉ है. We are the student of University of Sialkot and we are studying LLB and we are the future lawyers. हम University of Sialkot के student हैं और हम lawyer बनेंगे. Faculty of Fashion, Textile Design की and हमारे पास तकरीबन 30 के करीब departments हैं. We are from University of Sialkot. We studied BS Mathematics. We are future lecturers. और 100 plus programs हैं. और इन 100 plus programs में हमारे पास ADP, BS, MS and PhD programs. मतलब अगर आप सियालकोट के बच्चों ने PhD भी करनी है तो किसी दूसरे शहर या किसी भी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा नदीम साहब, हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, तकरीबन 300 के करीब पोस्टर्स हैं. इसके साथ हमारे हाई एस हैं, टाउन एसेस हैं और छोटी कैरी बॉक्सेस हैं जो हमारी फैकल्टी को, हमारे स्टूडेंट्स को 60 किलोमीटर के रेडियस में ये ट्रैवल करती हैं और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं. ये है जी यूनिवर्सिटी की लाइफ, जो कि बहुत से लोगों का ख्वाब होता है. ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का रुख कर सकते हैं. हमने कोशिश यही की कि आपके ख्वाबों को तबीर किस तरह मिलनी है. जीरो से लेके 100 तक हर चीज़ हमने आपके सामने बड़ी बासानी खोल कर रख दी. आप भी यहाँ पर आएँ, आप भी पायलट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, हिसाबदान बन सकते हैं. किसी भी शोबे को चूज़ करें तो सियालकोट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का रुख कर सकते हैं. फिलहाल सियालकोट से अपने भाई नदीम गौरी को इस इल्मी स्टोरी से इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.